अस्सलाम वालेकुम, A1 टीवी के साथ मैं हूं अरुज फखर। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। जनरल असेंबली का इजलास, वज़ीरे आज़म आज लंदन से न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ 27 सितंबर को जनरल असेंबली से खताब करेंगे। फलस्तीन और कश्मीर का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाया जाएगा। वज़ीरे आज़म की UN सेक्रेटरी जनरल दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। अवाम ने इंतजार की सियासत मुस्तरद कर दी। वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मैदान भरने के बजाय मुआशी हालत बेहतर बनाएंगे। सियासी अफरा तफरी में बहुत वक्त ज़ाया हो चुका, जलसे 2028 में करेंगे। अभी मेहनत करने का वक्त है। अवाम महंगाई में किसी मसाइल का हल चाहते हैं। मुआशी बहाली सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी है। किस चीज़ की माफ़ी, किस बात पर माफ़ी मांगूं? अली अमीन गंडा पर बोले, जितने पर्चे काटने हैं काट लो, डरने वाला नहीं। बानी PTI की रिहाई के लिए जुमे को मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। अली अमीन गंडापुर का इतवार को मियांवाली में जलसे का ऐलान। फारम 47 की हुकूमत को ना मानने, इसकी आइन तरमीम का कोई गैर कानूनी इकदाम नहीं करने देंगे। सवा दहशत गर्दों काबूज दिलाना वार, पुलिस वैन के करीब धमाका मालूम। जब्बा जाने वाला 11 ममालिक की सफारत कारों को महफूज रहे। प्रोटोकॉल में शामिल गाड़ी बरूदी सुरंग से टकरा गई, एक पुलिस अहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। तमाम पुलिस अहलकारों को बाहिफाजत इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। और लेह में कोटद्दू रोड पर तेज़ रफ्तार मुसाफिर बस ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई। हादसे में 3 अफराद जहांबाग, 15 जख्मी हो गए। लाशें जख्मी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नज़र, अंदर की खबर।